Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new video and the topic of today video is the Q switching. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि Q switching क्या होती है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. तो देखो, है क्या ये Q switching? देखो, हम क्या पढ़ते हैं, अब तक हमने लेजर पढ़ी है ना. तो देखो, हमें क्या चाहिए, हमें अगर हाई पल्स पावर चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए, हाई पावर पल्स चाहिए लेजर आउटपुट में, ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं. ठीक है, उनमें से एक टेक्निक है क्यू स्विचिंग, एक आपकी मोड लॉकिंग भी होती है. ठीक है, तो क्यू स्विचिंग क्या है, क्यू स्विचिंग एक्चुअल में एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हाई पावर पल्स नैनो सेकंड के लिए ऑब्टेंड करते हैं. कितने के लिए, नैनो सेकंड के लिए. ठीक है, तो वही टेक्निक क्या कहलाती है आपकी, क्यू स्विचिंग कहलाती है. देखो, बेसिकली लेजर जो है कॉन्टिन्यूस आउटपुट भी होती है और पल्स्ड आउटपुट भी होती है. ठीक है, लेकिन उन दोनों ही केसेस में जो हमारे पास पल्स पावर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, लो. तो अब अगर हमें कई एप्लीकेशंस होती हैं जहां पे हमें क्या चाहिए, हाई पावर पल्स चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए ही हो, लेकिन चाहिए क्या हमें, हाई पावर पल्स. तो हाई पावर पल्स शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए ऑब्टेन करने के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, क्यू स्विचिंग, और आपकी एक और होती है मोड लॉकिंग. ठीक है, मोड लॉकिंग में जो है और भी अल्ट्रा, बहुत ही कम टाइम के लिए मोड लॉकिंग पॉसिबल होता है. लेजर पल्स फेमटो सेकंड के लिए ही वो प्रोड्यूस करता है, और ये किसके लिए करता है, नैनो सेकंड टाइम इंटरवल के लिए. ठीक है, तो किसके लिए कर रहे हैं हम क्यू स्विचिंग, क्यों कर, क्या क्या है क्यू स्विचिंग एक्चुअल में. क्यू स्विचिंग एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, हाई पावर पल्स ऑब्टेन करते हैं किसी भी लेजर से. ठीक है, अलग अलग होती है, क्यू स्विचिंग टेक्निक भी है, मोड लॉकिंग भी है, क्यू स्विचिंग नैनो सेकंड के लिए और मोड लॉकिंग में फेमटो सेकंड आ जाता है. ठीक है, तो काफी एप्लीकेशंस में जहां पे हमें क्या चाहिए होती है, लेजर आउटपुट में हमें हाई पीक पावर चाहिए, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, क्यू स्विचिंग का यूज करते हैं. ठीक है, अगली बात समझ में. तो अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हो, क्या है, क्यू स्विचिंग इज यूज टू जनरेट, क्या है क्यू स्विचिंग एक्चुअल में, क्यू स्विचिंग इज यूज्ड टू जनरेट क्या जनरेट करने के लिए बात करें तो, इज यूज्ड टू जनरेट पल्स ऑफ हाई एनर्जी. ठीक है, पल्स ऑफ हाई एनर्जी, बट लेकिन जो हो वो किसके लिए, बट द नॉमिनल पल्स विड्थ इज इन द विड्थ इन द नैनो सेकंड रीजन. ठीक है, नैनो सेकंड रीजन के अंदर ही वो क्या करती है, आपकी हाई पल्स पावर या हाई पल्स एनर्जी आप कह सकते हो ऑब्टेन करती है. ठीक है, हमें मिलती है. ठीक है, थोड़ा सा और लिखें तो क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ देयर आर वेरियस मेथड्स सच एज, जैसे कि हम बात करें क्यू स्विचिंग, मोड लॉकिंग किसके लिए, फॉर ऑब्टेनिंग हाई पल्स पावर. तो हाई पल्स पावर को ऑब्टेन करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन क्यू स्विचिंग उनमें से एक है जिसमें हम सिर्फ किसके लिए, कि नैनो सेकंड के लिए. ठीक है, क्यू स्विचिंग जो है वो किसके लिए, सिर्फ नैनो सेकंड के लिए अगर आपको यूज करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, क्यू स्विचिंग. ठीक है, तो लिखेंगे मोड लॉकिंग प्रोड्यूस अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस. ठीक है, अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस विद स्मॉलर एनर्जी कॉन्टेंट, मतलब ज्यादा जो अच्छी है वो हमारे पास क्या है, आपकी क्यू स्विचिंग. ठीक है, हाँ, एक और बात इसके साथ साथ आते हैं टर्म, क्यू स्विचिंग के साथ ही हम क्या डिफाइन करते हैं, क्यू फैक्टर डिफाइन करते हैं. देखो, ये जो क्यू स्विचिंग है एक्चुअल में इसको कैसे मेजर करते हैं, क्यू फैक्टर से डिफाइन करते हैं, और ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लॉसेस इन द कैविटी. किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लॉसेस इन द कैविटी, मतलब आपकी जो
कैविटी है उसमें अगर लो, क्योंकि हमने ऑप्टिकल रेजोनेटर पढ़ा है, उसमें पढ़ा था कि क्या होते हैं, लोस भी होते हैं, और जब गेन ज्यादा इतना वो हो जाए कि लोस को क्या कर दे, वो ओवरकम कर दे, तो हमें लेजर आउटपुट कॉन्टिन्यूस मिलती है ना। तो जो क्यू फैक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लॉस के, ठीक है, कि कैविटी में जितने कम लॉस होंगे, लॉसेस जितना कम, क्यू फैक्टर उतना ही ज्यादा, मतलब क्यू फैक्टर ज्यादा का मतलब मैक्सिमम पीक पावर, ठीक है। तो अगर किसी भी, मान लो अगर हम लॉसेस किसी कैविटी में क्या कर दें, जीरो को अप्रोच करवा दें, तो इस टाइम पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। लेकिन इन एक्चुअल लॉस कभी भी जीरो नहीं होते, हाँ नियरली जीरो, तो इसका मतलब क्यू फैक्टर की वैल्यू कितनी हाई जा सकती है, कब, अगर लॉस कैविटी के अंदर क्या हो, कम हो, तो हम क्यू फैक्टर को की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यू फैक्टर हमें एक्चुअल में क्या बताता है, मेजर ऑफ मैक्सिमम पीक पावर, ठीक है, आ गई ना बात समझ में। तो जो करेक्टरिस्टिक्स है जो मेजर की जाती है लेजर के अंदर, वो किससे मेजर की जाती है पावर की, वो क्यू फैक्टर से की जाती है, ठीक है। तो अगर हम डिफाइन करें, इन डेफिनेशन लिखें क्यू फैक्टर की, तो क्यू फैक्टर क्या होता है, ये आपका रेशियो होता है, क्या, रेशियो ऑफ एनर्जी डब्ल्यू, ठीक है, स्टोर्ड जो हुई है किसमें, इन द सिस्टम, इन द सिस्टम टू द एनर्जी लॉसेस, टू द एनर्जी लॉसेस डबल द डब्ल्यू पर साइकिल, ठीक है। तो क्यू फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट फैक्टर आ जाता है 2 पाई, ऊपर क्या आएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द रेजोनेटर, स्टोर्ड इन द रेजोनेटर, और उसको किससे डिवाइड कर दो, एनर्जी लॉसेस, एनर्जी लॉसेस इन पर साइकिल, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहां से यहां से तो पता चल रहा है कि क्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लॉस के, कि लॉस जितने ज्यादा होंगे कैविटी में क्यू फैक्टर उतना ही कम, और लॉसेस जितने कम क्यू फैक्टर उतना ही ज्यादा, ठीक है। इन जनरल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर में बात करें तो क्यू की वैल्यू जो होती है वो 100 होती है, ठीक है। लेजर के लिए क्यू की वैल्यू क्या चाहिए, हमें हाई चाहिए, ठीक है, कितने ऑर्डर की, अप्रोक्सीमेट 10^8, तो लिख सकते हो फॉर ए लेजर, लेजर के लिए Q इज वेरी हाई, हाई कितना, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^8, ठीक है, अगली बात समझ में। तो ये क्या है आपका, Q स्विचिंग या फिर Q फैक्टर, ठीक है। पहले Q स्विचिंग जस्ट किसके लिए यूज करते हैं, पहले तो मैंने यही बताया, ठीक है, Q स्विचिंग कि भाई किसके लिए हमें जरूरत पड़ती है, हाई एनर्जी पल्स पावर के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्यू स्विचिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कि अगर कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जहां पे हमें हाई पीक पावर की जरूरत होती है, चाहे वो टाइम इंटरवल के लिए, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए ही पीक पावर मैक्सिमम, मतलब हाई वैल्यू दे, लेकिन हो मैक्सिमम हाई पावर, है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूस और जो आपकी पल्स आउट लेजर होती है उनमें पावर कम होती है, हाई पावर नहीं होती, वो पावर स्मॉल होती है, और हमें कुछ एप्लीकेशंस में क्या चाहिए, हाई पावर चाहिए। तो उसके लिए हम किस कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, क्यू स्विचिंग। देखिए क्यू स्विचिंग है क्या, कैसे होती है पावर हाई, ठीक है, आ गई बात समझ में। अब ये कैसे होती, कैसे है एक्चुअल में क्यू स्विचिंग, प्रोसेस कैसे करती है, ठीक है। मान लो हमने क्या किया, देखो अगर हम बात करें, एक कोई लेजर कैविटी ले ली, ठीक है, ये क्या ले ली हमने, कोई एक लेजर कैविटी, ठीक है, ये क्या है हमारी कैविटी, इसके अंदर क्या रखा है आपका, एक्टिव मीडियम रखा है, ठीक है, एम्पलीफाइंग मीडियम बोल सकते हो, इसके अंदर ये क्या है आपका, एक्टिव मीडियम है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हम पंप करते हैं, है ना भाई, तभी तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कर अचीव होता है, ठीक है, ये कोई एक्टिव मीडियम। इधर क्या होते हैं आपके, मिरर्स होते हैं, है ना, इधर ये दो क्या होते हैं, एक ये तो फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर, और ये आपका इधर क्या होता है, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर M1 और M2, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे, यहां से इस, देखो यहां से इधर क्या होती है, लेजर आउटपुट तो हमें यहां मिलती है पार्शियली से, यहां पे मैंने एक सटर लगा दिया, क्या लगा दिया, यहां पे एक मैंने सटर लगा दिया, ये ठीक है। तो मान जो भी चीज बता रही हूँ ये लिखेंगे बाद में, ठीक है। देखो हमने क्या लिया, कोई लेजर कैविटी ली जिसमें हमने क्या प्लेस किया, एक सटर को रख दिया, ठीक है। इस सटर को हम ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमने सटर को क्या कर रखा है, बंद कर रखा है, इन स्टार्टिंग हमने क्या कर रखा है, सटर को ऑफ कर रखा है, बंद है, क्लोज है, ठीक है। और हमने क्या किया, पंपिंग शुरू कर दी,
ठीक है, एंड वी स्टार्ट टू पंप, हमने इस एक्टिव मीडियम को पंपिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, पंपिंग शुरू कर दी। अब स्टर तो क्या है, बंद है, स्टर बंद है ना, तो इसका मतलब कोई फीडबैक नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर शटर ओपन होता तो फीडबैक मिलती, पॉजिटिव फीडबैक मिलती ना। अब शटर तो क्या है, क्लोज है, तो कोई फीडबैक हमें नहीं मिलेगी इस मिरर से, है ना। और जो लेजर बीम है वो क्या नहीं हो पाएगी, ब्यूल्ट अप नहीं हो पाएगी, क्योंकि ब्यूल्ट अप तो जब तभी होती है लेजर बीम, आपने एक्शन ऑफ ऑप्टिकल रेजोनेटर पढ़ा था कि लेजर ब्यूल्ट अप कब होती है, जब उसे क्या मिले, पॉजिटिव फीडबैक मिले। तो यहाँ पे तो फीडबैक नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब लेजर ब्यूल्ट अप नहीं होगी, ठीक है, लेजर ब्यूल्ट अप नहीं हो रही। लेकिन पंप क्या कर रहा है, पंप तो कॉन्टिन्यूअसली एटम्स को कहां लेके जा रहा है, ग्राउंड स्टेट से उनको एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। पंपिंग की स्कीम से हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली एटम्स को आपके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे हैं, है ना। और स्टिमुलेटेड एमिशन अभी तक नहीं हुआ है मान लो, ठीक है। और क्या हो गया आपका, स्टिमुलेटेड एमिशन तो कब होता है, जब आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाए। तो एक बार मान लो जब आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया, पॉपुलेशन अचीव क्या हो रहा है, बार बार एटम्स जो है हाई एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली डिके हो रहे हैं किसमें, लोअर एक्साइटेड या मेटास्टेबल स्टेट में, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन बिल्ड अप होता जा रहा है ना। अब मान लो ये वैल्यू इतनी ज्यादा हाई हो गई, किससे, उसकी थ्रेशहोल्ड जो इन्वर्जन, क्योंकि थ्रेशहोल्ड में हमें जो इन्वर्जन के लिए मेनली जो चाहिए होती है ब्लेजर एक्शन के लिए, वो थ्रेशहोल्ड से ज्यादा चाहिए, है ना। तो मान लो थ्रेशहोल्ड की जितनी हो गई, ठीक है, कब, जब हमारा शटर क्या है, अभी भी आपका क्लोज है, ठीक है। अब देखो, अब इन्वर्जन तो बिल्ड हो गया है ना, मतलब क्योंकि शटर बंद है, फीडबैक नहीं मिल रहा, तो इन्वर्जन बहुत ज्यादा हाई वैल्यू तक अचीव हो गया। क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली एटम्स तो पंप हो रहे हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं हो रहा, लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है बिल्ट अप हो गया बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू तक, ठीक है। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन इतना ज्यादा हाई हो गया है, और अब हम क्या करें, एकदम से शटर को ओपन कर दें, ठीक है। अब क्या करें, एकदम से हमने शटर को ओपन कर दिया, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन तो अब भी हो रहा था। अब वो स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या करेगा, वहां पे स्टिमुलेटेड एमिशन कोज करेगा, और मिरर है तो मिरर से वहां पे क्या होगा आपका, अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक शुरू हो जाएगा। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन की वैल्यू क्या थी, बहुत ज्यादा थी, तो जो गेन होगा मीडियम के अंदर वो भी क्या होगा, एक ही राउंड ट्रिप में, मतलब एक मोशन में ही, एक राउंड ट्रिप में ही गेन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जो आपके लॉस है उससे बहुत ही ज्यादा, गेन की वैल्यू मच मोर देन द लॉस इन वन राउंड ट्रिप, ठीक है। तो इसी वजह से जो पावर होगी लेजर की, वो भी एकदम से क्या जाएगी, बहुत ही हाई जाएगी, रैपिडली क्विकली बहुत ही हाई जाएगी, हर बार एक बार, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए, ठीक है। तो जो लेजर बीम है, आप बोल सकते हो कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारा इतना ज्यादा अचीव हो गया कि जब हमने एकदम से शटर को ओपन किया, तो जो गेन था मीडियम में उसने क्या कर दिया, लॉस से वो बहुत ज्यादा हो गया, तो गेन ज्यादा हो गया, तो एक ही राउंड ट्रिप में क्या हो जाएगी, हमें जब आउटपुट मिलेगी तो वो आउटपुट बहुत ही हाई मिलेगी, क्योंकि हमने क्या किया, शटर को सडनली ओपन किया। सडनली ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक ह्यूज लाइट पल्स हमारे पास जनरेट होगी, और इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, क्यू स्विचिंग, क्योंकि हमने क्या कर लिया, हाई पावर पल्स शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए ऑब्टेन कर ली, तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, क्यू स्विचिंग टेक्निक कहते हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा फिर से मैं डिटेल में बता देती हूँ कि हमने क्या किया, हमने एक लेजर कैविटी ली, ठीक है, उसको हमने क्या किया, उसके अंदर एक्टिव मीडियम को रखा, ये लेजर कैविटी है उसमें क्या है, एक्टिव मीडियम रखा, साथ में हमने क्या लगा लिया, एक शटर लगा लिया, जिसको हम ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या माना कि हमारा शटर क्या है, बंद है, ठीक है। अब हम पंपिंग शुरू कर रहे हैं, पंपिंग की वजह से एटम्स, पंपिंग क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली एटम्स को ग्राउंड स्टेट से कहां लेके जा रही है, एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रही है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, एटम्स कहां जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में, वहां से स्पॉन्टेनियसली डिके होके मेटास्टेबल स्टेट में, और शटर ऑफ है, ठीक है, मतलब अभी स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता जा रहा है एक हाई वैल्यू पे। तो जब पॉपुलेशन इन्वर्जन थ्रेस होल्ड वैल्यू से भी क्या चला जाए, बहुत ज्यादा हाई चला गया, ठीक है, तो तब हमने मानो एकदम से क्या कर दिया, शटर को ओपन किया, तो एकदम से हमने शटर को, पॉपुलेशन इन्वर्जन की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो गई, तो उस टाइम पे जो कैविटी के अंदर लॉस थे, गेन था, वो लॉस से बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो एक ही राउंड ट्रिप में, क्योंकि लॉस भाई आउटपुट जो होते हैं वो लॉस को इफेक्ट, क्यू फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, लॉस, अब लॉस तो बहुत ही कम हो गई, कम हो गए मतलब क्यू की वैल्यू हाई, क्यू की वैल्यू हाई का मतलब लेजर पल्स पावर आउटपुट हमें क्या मिलेगी, हाई। तो इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, क्यू स्विचिंग, ठीक है, इस टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं, क्यू स्विचिंग टेक्निक। तो अगर लिखें तो लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा लिखते हैं, क्यू स्विचिंग में क्या हमने क्या किया, इमेजिन
ए लेजर कैविटी, ठीक है, विद इन विच वी हैव प्लेस्ड ए सटर, हमने क्या रखा, एक सटर रखा, ठीक है, दैट कैन बी ओपन्ड, जिसको हम ओपन भी कर सकते हैं एंड क्लोज्ड, ठीक है, ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं. फिर क्या किया, लेट अस अज्यूम, हमने अज्यूम किया दैट सटर इज क्लोज्ड. स्टार्टिंग में हमने सटर को क्या रखा है, क्लोज रखा है, ठीक है, मतलब वो ट्रांजिस्ट नहीं करेगा. अब एंड वी स्टार्ट, और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, टू पंप, ठीक है, एंड वी स्टार्ट टू पंप किसको, द एम्पलीफाइंग मीडियम, द एक्टिव मीडियम बोल सकते हो, ठीक है, पंप द एक्टिव मीडियम. इसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज द पंप क्या कर रहा है, इज टेकिंग द एटम्स, पंप इज टेकिंग द एटम्स, वो एटम्स को कहां लेके जा रहा है, फ्रॉम कहां से, द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट एंड देयर इज नो स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है, आगे बात समझ में. अच्छा, साथ में हमने सिंस सटर हमारा क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड, तो इसका मतलब देयर इज नो फीडबैक फ्रॉम द मिरर, और क्या होगा, लेजर बीम डज नॉट बिल्ड अप एंड द लेजर बीम डज नॉट बिल्ड अप, क्योंकि लेजर बीम तो तभी बिल्ड अप होती है जब क्या हो, ऑप्टिकल रेजोनेटर, एक मिरर को तो हमने क्या कर दिया, सटर से बंद कर दिया, ठीक है, तो लेजर बीम डज नॉट बिल्ड अप, लेजर बीम क्या नहीं है आपकी, बिल्ड अप नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, यट द पॉपुलेशन इन्वर्जन, लेकिन जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो आपका क्या हो रहा है, keeps on building up, ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन तो बिल्ड अप हो रहा है, ठीक है, तो अब उसके बाद क्या लिखेंगे, दिस वैल्यू, ये जो आपकी बिल्ड अप पॉपुलेशन इन्वर्जन है, ठीक है, वो कुड बी मच हाई किससे, देन द थ्रेसहोल्ड इन्वर्जन, क्योंकि थ्रेसहोल्ड होते ही तो पॉपुलेशन जो है काम क्या हो जाता है आपका, लेजर एक्शन, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा हाई हो सकती है, ठीक है, देन द थ्रेसहोल्ड इन्वर्जन रिक्वायर्ड किसके लिए, फॉर द सेम लेजर, अब कब, इन द अब्सेंस ऑफ सटर, कि जब अगर सटर ना होता तो तब तो हमारा क्या होता कि जस्ट थ्रेसहोल्ड पे ही हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन, अगर थ्रेसहोल्ड वैल्यू अचीव कर लेता है तो लेजर एक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. अब क्या करें, व्हेन द इन्वर्जन, जब हमारा इन्वर्जन क्या हो जाए, इज बिल्ड, अगर इतना हो जाए टू ए रेजोनेबल हाई वैल्यू, बहुत ही हाई वैल्यू को अचीव कर ले, ठीक है, फिर हम क्या करें, सटर को ओपन करें, इफ वी नाउ ओपन द सटर, अब हम एकदम से क्या करें, सटर को ओपन कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, देन स्पॉन्टेनियस एमिशन इज नाउ, क्योंकि अब मिरर दूसरा भी ओपन हो गया हमारे लिए, है ना, एमिशन इज नाउ एबल टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस एमिशन के से क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो सकता है, एंड पा, अब क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन बोल सकते हो, बैक एंड फोर्थ, है ना, एंड पास बैक एंड फोर्थ किसके, थ्रू द एम्पलीफाइंग मीडियम, है ना, अब क्या होंगे, वो एम्पलीफाइंग मीडियम से पास होंगे, तो वहां पे क्या होगा, आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या हो गया, बिल्ड अप हो गया बहुत हाई वैल्यू के लिए, तो गेन क्या हो जाएगा, एक ही राउंड ट्रिप में बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंस द पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या हो गया हमारा, जो पॉपुलेशन इन्वर्जन हैज
been built to a large value. Built to a large value. तो क्या होगा? The gain provided by the gain provided किससे? By the medium. किसमें? In one round trip. In one round trip. एक round trip में ही क्या हो जाएगा? Will be much more. Will be much more किससे? Than the loss in one round trip. In one round trip की एक round trip में जो आपके loss होगा उससे gain बहुत ही ज्यादा हो गई. ठीक है, उसके क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा हो गई. तो हमें क्या मिलेगी? The power of the power. तो हमें जो power होगी किसकी? Of the laser beam. Of the लेजर बीम वो क्या हो जाएगी? ग्रो वेरी क्विकली. ग्रो वेरी क्विकली. ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा एकदम से क्विकली क्या मिलेगी हमें? हाई मिलेगी. ठीक है, ठीक है. तो इसलिए जब हमने सडनली क्या किया, शटर को ओपन किया, एक ह्यूज लाइट पल्स हमारे पास जनरेट हुई. इसलिए इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं? इस टेक्निक को हम बोल देते हैं क्यू स्विचिंग. ठीक है, क्या बोल देते हैं? क्यू स्विचिंग. तो लिख सकते हो दस When हमने क्या किया? When the shutter is suddenly open, shutter is suddenly open. जब हमने shutter को क्या किया? Suddenly open किया. A huge light pulse, whose light pulse हमें क्या मिली? Gets generated, gets generated. ठीक है. The technique and this technique, इसी technique को हम क्या बोलते हैं? This technique is known as क्या? Q switching. तो इस technique को हम क्या बोलते हैं? Q switching बोलते हैं. ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये क्या थी आपके Q switching क्या होती है? ठीक है, तो Q switching किस पे depend करती है? आपकी losses पे, कि जब gain बहुत ज्यादा हो जाए loss से, तो उस time पे हमें क्या मिलती है? High laser power pulse मिलती है. इस technique जो हमने use की है इसको क्या बोलते हैं? Q switching technique. ठीक है, तो ये थी आपकी क्यू स्विचिंग होती क्या है, कैसे काम करती है. अब हम देखेंगे कि जो हमने कहा कि क्या होता है, हमने कहा कि हाई पावर पल्स मिलेगी, है ना. तो नेक्स्ट उसमें हम स्टडी करने वाले हैं कि इसकी जो है आपकी पीक पावर कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, कितने टाइम के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए हमें वो मिलेगी. ठीक है, तो ये चीजें नेक्स्ट वीडियो में फर्दर स्टडी करेंगे. ठीक है.